and welcome back to my channel. I'm Samantha, back at it again with another video. And आज के इस वीडियो में मैं आप सबको लेके जाने वाली हूँ हमारे FM University tour पे. So stay tuned and watch till the end. मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ हमारे FM University न्यू कैंपस के बाउंड्री से, जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बने हुए हैं. और ये रहा हमारा मेन एंट्रेंस. इस गेट से सीधा एंटर करते हुए लेफ्ट में है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, जहाँ पे यूको बैंक भी है. और ठीक इसी के सामने ही एक सेल्फी पॉइंट भी है, जहाँ पे लिखा है विला फकीमोन यूनिवर्सिटी. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के ठीक लेफ्ट हैंड साइड में है पीजी काउंसिल, जहाँ पे इम्पोर्टेंट मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस होते हैं. जहाँ पर है छोटा सा प्यारा सा फ्री लाइब्रेरी, जहाँ पे आप बुक डिपॉजिट करके एक वहाँ का बुक ले सकते हो, फिर बाद में आपको रिटर्न भी करना होता है. एंड पीजीसी के फ्रंट में जो प्यारा सा लॉन है, हम सब यहाँ ऑफन आते हैं बैठने, बहुत ही अच्छा लगता है. इसी के लेफ्ट में है पॉपुलेशन स्टडीज़ एंड लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट. एंड इसके राइट में है सोशल साइंस डिपार्टमेंट. एंड इसके फ्रंट में है जूलॉजिकल म्यूजियम. सीधा जाते हुए रोड के उस साइड यानी फील्ड के सामने है बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट. ये रहा हमारा स्टेज. एंड ये है बटरफ्लाई गार्डन, जिसके ठीक सामने है गोपीनाथ पानीग्राही बॉटनिक गार्डन, जहाँ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट मिलेंगे आपको, जहाँ पे क्यूट सा लिली पूल भी है. इसके सामने है बायोसोर्स मैनेजमेंट, जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं. इसके लेफ्ट साइड में है हमारा लाइब्रेरी. इसके ऑपोजिट में है एनवायरमेंटल साइंस एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट. एंड इसी लेन के एंडिंग में है लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट. दिस इज फकीर मोहन साहित्य भरा, जिसके राइट हैंड साइड में है जियोलॉजी बॉटनी एंड एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के म्यूजियम. ठीक इसी के पास है हमारा ओपन पंडाल. यहाँ से निकलते हुए ठीक रोड के ऑपोजिट में है हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे जिम भी है. एंड दिस इज आवर हेल्थ सेंटर, जिसके ऑपोजिट में है गेस्ट हाउस, जिसके सामने है HRDC. सीधे जाते हुए गेट के लेफ्ट साइड में है हमारे खाने का जुगाड़. लाइक हॉस्टल्स नियरेस्ट यही जगह है, जहाँ पे खाना पीना अवेलेबल होता है, लाइक पकौड़े, समोसे, चाउमीन, मंचूरियन. ठीक है, गेट से अंदर आते हुए लेफ्ट हैंड साइड में है छोटा सा पॉन्ड, जिसके सामने है बॉयज हॉस्टल 1. ये रहा उनका व्हीकल स्टैंड. और इसके सीधे जाते जाते हैं ये छोटू सा कैफ़े, जहाँ स्टूडेंट लोग ही कभी कभी आइटम्स बना के सेल करते हैं. यहाँ से शुरू होती है हमारे गर्ल्स हॉस्टल की बाउंड्री. देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे हॉस्टल है गाइस. और ये रहा हमारा एंट्रेंस गेट. ठीक उसके पीछे है टीचर्स क्वार्टर. से निकलते हुए सामने है हमारे वाइस चांसलर सर का रेसिडेंस. उसके ठीक पास ही सीधा जो दिखाई दे रहा है एक और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है. और यहाँ पास में एक जगन्नाथ मंदिर भी है. उसी के पास है न्यू लेडीज हॉस्टल, जो कि सच में बहुत ही बड़ा है. और ये बिल्कुल पुराने लेडीज हॉस्टल के सामने है. अब हम चलते हैं बॉयज हॉस्टल 2 की ओर. देख सकते हैं ये है बॉयज हॉस्टल 2, जिसके सामने से साफ साफ बॉयज हॉस्टल 1 दिखाई दे रहा है. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के सामने है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट,
जहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस भी है एंड अपर फ्लोर में है कैंटीन। और ये रहा हमारा SBI ATM, ये रहा न्यू पार्किंग एरिया जहाँ पे हम लोग सब कोई अपना व्हीकल यहीं पार्क करेंगे, बस भी जहाँ पार्क होगी। और ये है गेट नंबर 2 जो बाहर से ऐसे दिखता है। आगे है हमारा बड़ा सा फील्ड जहाँ पे एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होता है। Yeah, that's it for today. I hope you found this video useful. Because जो लोग इस कैंपस में ऑलरेडी स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता ही होगा कौन सी चीज़ कहाँ है, बट फॉर द न्यू कमर्स जिन्होंने अभी तक पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है कैंपस, तो उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा देख कर कि कौन सी चीज़ कहाँ है। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।